में देखेंगे इनहेरिटेंस के जो बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं, एक्सेस कंट्रोल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मेथड ओवरराइडिंग और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जैसे वर्ड से पता लग रहा है, टू इनहेरिट समथिंग, है ना। इनहेरिटेंस प्रोसेस ऑफ मतलब इट इज़ अ प्रोसेस टू इनहेरिट समथिंग। जैसे हमारे लाइफ में भी होता है कि फादर मदर से बच्चे इनहेरिट करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रैंडफादर से हमारे पेरेंट्स करते हैं। उस तरीके से इनहेरिटेंस में क्या है, क्लास जो है, क्लास के टर्म्स में इसमें हम बात करेंगे कि एक क्लास के कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट क्लास इनहेरिट करेगी। ठीक है, तो उसमें इसका सबसे पहले सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स क्या होता है इनहेरिटेंस को डिफाइन करने के लिए। तो आप सबसे पहले देखिए, क्लास से कीवर्ड लगाना होगा, क्लास, क्योंकि जो इनहेरिट करेगा वो भी क्लास होगा। तो क्लास, और जो आप नाम रखना चाहते हैं इस क्लास का, देन एक कीवर्ड आप लगाएंगे एक्सटेंड्स। इससे पता चलता है कि ये जो क्लास हम बना रहे हैं, ये सब क्लास, ये एक्सटेंड कर रहा है कुछ प्रॉपर्टीज को, कहाँ से, सुपर क्लास से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इनहेरिटेंस हो रहा है। सब क्लास में हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल नाम डॉग। ठीक है, डॉग एक हमारा सब क्लास हो गया, और सुपर क्लास हो गया एनिमल। तो एनिमल एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई, तो एनिमल हमारा सुपर क्लास हो गया, और इससे कुछ चीज़ें इनहेरिट करेगा, मतलब डॉग जो भी एक एनिमल का टाइप है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हम सिंटेक्स को डिफाइन करते हैं इनहेरिटेंस को, जब हमें यूज़ करना होता है। क्लास, सब क्लास का नाम, देन एक कीवर्ड एक्सटेंड्स, और कहाँ से एक्सटेंड करना है, सुपर क्लास से, तो सुपर क्लास का नाम। फिर वैसे जैसे आप क्लास बनाते हैं वैसे सेम मेथड्स एंड फील्ड्स। एक्सटेंड कीवर्ड का मतलब क्या है कि कुछ फंक्शनैलिटीज को ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब सुपर क्लास की जो फंक्शनैलिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको सब क्लास में यूज करने के लिए एक्सटेंड कर रहा है। अब इनहेरिटेंस में सुपर क्लास को हम पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, बेस क्लास भी बोल सकते हैं, और जो नया क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं सब क्लास, उसको चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, या सब क्लास भी बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस का। स्टार्टिंग में तो आपको क्लास का जो क्लास को जैसे आप डिफाइन करते हैं सेम वैसे ही करना है। तो एक क्लास बना लिया एम्प्लॉय, जिसमें एक हमने ये सैलरी नाम का वेरिएबल बनाया फ्लोट टाइप का, और इसमें इसको इनिशियलाइज कर दिया 40,000 से। ये हमारा हो गया बेस क्लास, यानी कि सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। एक क्लास बनाएंगे सब क्लास, चाइल्ड क्लास बोल लीजिए आप, ठीक है, या सब क्लास बोल लीजिए, जो होगा क्लास प्रोग्रामर एक्सटेंड्स एम्प्लॉयज, मतलब जो एक्स ये एम्प्लॉयज क्लास है सुपर क्लास, उससे ये प्रोग्रामर क्लास बना रहे हैं। तो चाइल्ड क्लास प्रोग्रामर है, पेरेंट क्लास एम्प्लॉय। अब इसमें क्या हम डिफाइन कर रहे हैं, एक बोनस डिफाइन कर दिया इंटीजर टाइप का 10,000। ठीक है, अब हमारा जो मेन फंक्शन होगा वो सब क्लास में बनाएंगे हम। तो यहाँ पे बना रहे हैं हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, जो है हमारा एक स्टैंडर्ड है। देन अब क्या, अगर हमें इस सैलरी को एक्सेस करना है तो क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा इस क्लास का। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्रोग्रामर P, सबसे पहले इसी का बना लिया प्रोग्रामर P, न्यू प्रोग्रामर, यानी कि हमारा P नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिससे हम एक्सेस कर पाएंगे, जिसके अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे फंक्शंस तो है नहीं, सिर्फ किसी भी क्लास का बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? पब्लिक। तो फ्लोट जो सैलरी अभी डिफाइन किया सर वेरिएबल, उसका पब्लिक, इसी वजह से हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। हाँ, एक्सेस कर पाएंगे। और वैसे भी हम इसका जो है ना, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं ना, मतलब हाँ, इनहेरिटेंस अगर के थ्रू हम एक्सटेंड कर उसकी रहे हैं तो प्रॉपर्टीज को उसका हम हम बना उसका रहे हैं। प्राइवेट भी वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएंगे। नहीं, प्राइवेट वाले को नहीं कर पाएंगे आप,
इसके रूल्स होते हैं ना कि पब्लिक वाला सब में होगा एक्सेस, प्रोटेक्टेड वाला जो इनहेरिट कर रहा है बस उसमें होगा, प्राइवेट वाला उसमें भी नहीं होगा, है ना। अरे सर, प्रोटेक्टेड में भी मतलब जो पेरेंट क्लास जो से इनहेरिट कर सकते हैं। चाइल्ड, हाँ चाइल्ड क्लास में प्रोटेक्टेड, मतलब कुछ प्रोटेक्शन उसमें लगा रहे हैं। अब इसको प्रोटेक्टेड सिर्फ लिखते हैं सर, और कुछ प्रोटेक्शन लगाते हैं हम? वैसे इसमें जावा में देखे ना तो एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है वो सर प्रोटेक्टेड और पब्लिक ही यूज होता है, प्राइवेट तो यूज आई थिंक नहीं होता है। अच्छा सर, थैंक यू सर। अब जो एक रूल जो होता है ना कि डिफॉल्ट क्या होता है हमारा, एक अगर हम क्लास बना रहे हैं, ठीक है, दो क्लास बना रहे हैं तो सेम क्लास में तो सारे एक्सेसिव होंगे, है ना, मतलब जिस बॉडी में बनाया है उसी क्लास के अंदर आप कुछ यूज़ करना चाहते हो तो वो तो प्राइवेट हो पब्लिक हो प्रोटेक्टेड हो सारा यूज़ कर पाओगे आप सेम बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन जब उसे हम सब क्लास में लेके जाएंगे तो प्राइवेट वाले बिल्कुल एक्सेस नहीं होंगे, प्रोटेक्टेड वाले हो सकते हैं और पब्लिक वाले हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पी बना दिया हमने ऑब्जेक्ट, आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे सैलरी और बोनस। अब जैसे टाइप डिस्कस किया था हमने स्टार्टिंग में, जैसे टाइप हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो पहला टाइप था सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक पेरेंट क्लास से एक बेस क्लास से एक सब क्लास या चाइल्ड क्लास, एक पेरेंट और एक चाइल्ड। तो यहाँ पेरेंट क्लास कौन है, इन दोनों में पेरेंट क्लास कौन है, ए और बी में ए है, क्योंकि ये एरो इंडिकेट करता है पेरेंट क्लास को। तो ए यहाँ पे हमारा पेरेंट क्लास है और बी है वो चाइल्ड क्लास है। ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, अभी लास्ट जो एग्जांपल में देखा वो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस था, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक क्लास बनाया एनिमल और एक क्लास बनाया डॉग। डॉग वाले क्लास में एक्सटेंड किसको कर रहे हैं हम, इनहेरिट कर रहे हैं एनिमल को, ठीक है। अब मेन मेथड इन दोनों में नहीं बनाया कहीं भी, तो क्या करना होगा, आउटसाइड ऑफ द क्लास, तो एक और क्लास बना के हम यहाँ पे मेन बॉडी बनाएंगे, क्लास टेस्ट इनहेरिटेंस कुछ भी आप बना दीजिए एक और क्लास, और वहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके मेन फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। और इसको अब क्या है कि प्रिंट करने हैं इसके वैल्यूज़ को, तो क्या करना होगा हमें, एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो डॉग क्लास का ये जो सब क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया डी। अब डी से ही हम ये डी वाले जो ये डॉग क्लास के अंदर क्या है फंक्शन बार्क, इसको भी कर सकते हैं। और चूंकि ये जो डॉग क्लास है ये इनहेरिट कर रहा है एनिमल क्लास को, तो एनिमल क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसको भी इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल एक से ज़्यादा लेवल, एक पेरेंट क्लास और एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पेरेंट क्लास ये है क्लास ए, अब चाइल्ड ये हो गया इसके लिए क्लास बी। सर, जब हम इन पेरेंट क्लास से अगर दूसरे चाइल्ड क्लास में जब उसका वेरिएबल्स या फंक्शंस को कॉल करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक सिंटैक्स है? फिर से आप रिपीट कीजिए। सर, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में अगर हम पेरेंट क्लास का फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उसका स्पेसिफिक कोई सिंटैक्स है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हो आप, इसमें हो रहा है ना ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट तो हमने चाइल्ड ऑब्जेक्ट, क्लास का बनाया डी, है हाँ ना, डी सर, और उसके बाद डी नीचे से हम लिख के बार्क ईट को भी लिख कर। सकते हैं। हाँ हाँ तो लिखा है ना, ये हाँ हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये इसमें राइट ऑलरेडी सर, इनहेरिट हो रही है ना चीजें, ठीक है, उसकी जी प्रॉपर्टीज सर, सारी इसमें इनहेरिट होगी। अब इसमें मल्टी लेवल में क्या है, एक पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास और उस चाइल्ड से फिर एक और सब चाइल्ड क्लास। तो अब यहाँ पे एक क्लास बनाया एनिमल, दूसरा बनाया डॉग जो एनिमल को कर रहा है इनहेरिट, और एक बेबी डॉग बनाया जो डॉग को इनहेरिट कर रहा है। तो ये मल्टी लेवल, एक लेवल से दूसरे, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पे। अब इसमें क्या है कि एक हमने अगर इसको तीनों, इसमें क्या है, पहले वाले में ईट है, ठीक है, दूसरे में बार्क और तीसरे में वीप।
अब तीनों को प्रिंट कराना है तो अब हम किससे कर सकते हैं एक्सेस, बेबी डॉग का जो एक हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट उससे तीनों को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप बेबी डॉग वाले जो एक क्लास है इसमें डॉग के ऑलरेडी इनहेरिट हो रही हैं, और डॉग की हो रही है तो डॉग वाले में इनहेरिट हो रही थी एनिमल की प्रॉपर्टी, तो एनिमल की जो प्रॉपर्टी इसमें आई डॉग वाले क्लास में, तो एनिमल की प्रॉपर्टी प्लस डॉग की प्रॉपर्टी दोनों इसमें इनहेरिट हो जाएगी, तो इसलिए हम एक ऑब्जेक्ट से तीनों को प्रिंट कर सकते हैं, ये मल्टी लेवल। देन हायरकल, हायरकल मतलब एक हायरकी होगी, एक पेरेंट क्लास और उसके मल्टीपल चाइल्ड क्लास, एक पेरेंट क्लास मल्टीपल चाइल्ड क्लास, एनिमल यहाँ पे हो गया एक पेरेंट क्लास, डॉग एक चाइल्ड और कैट एक चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब कैट वाले से हम डॉग वाले चीज को प्रिंट नहीं कर सकते, अब डॉग वाले को प्रिंट कराना है तो इसके लिए अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, कैट वाले के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, बट दोनों के थ्रू, दोनों जो ऑब्जेक्ट बनेंगे दोनों के थ्रू एनिमल वाले सारी चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैट के लिए सी बनाया, ठीक है, अब कैट के लिए सी बना दिया ऑब्जेक्ट, सी से हम क्या प्रिंट कर सकते हैं, ये वाला म्यू, ठीक है, और दूसरा ईट, ये दोनों कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम प्रिंट करना चाहेंगे बार्क तो ये एरर देगा, क्यों, क्योंकि ये चीज़ें तो इसमें इनहेरिट हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो ऐसे समझना पड़ेगा कि एक्सेस किसको मिलेगा, किसकी प्रॉपर्टी किसके अंदर जाएगी। अब एक इसमें होता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता, अब क्यों नहीं करता ये समझना पड़ेगा, और अगर सपोर्ट करवाना है तो हम कौन से फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ करेंगे सपोर्ट कराने के लिए, ठीक है। तो क्यों नहीं करता, सबसे पहले ये जानिए, टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लीफाई द लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स हो जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस इसलिए इसको अवॉइड करता है, मतलब जावा सपोर्ट नहीं करता। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में आप अगर समझना है तो एक सिनेरियो कंसीडर कीजिए कि ए बी एंड सी तीन क्लास है, सी ए बी सी तीन क्लास है, सी क्लास इनहेरिट्स ए एंड बी, मतलब ए बी मल्टीपल का क्या होता है, मतलब एक चाइल्ड क्लास और मल्टीपल पेरेंट क्लास होंगे, ठीक है। तो सी है और ए बी से, सी जो हमारा चाइल्ड क्लास है ये ए और बी दोनों पेरेंट क्लास से इनहेरिट करेंगे चीज़ों को। इफ ए एंड बी क्लासेस हैव द सेम मेथड एंड यू कॉल इट फ्रॉम चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट देन देर विल बी एम्बिगिटी टू कॉल द मेथड ऑफ ए एंड बी क्लास, ठीक है। अब सिंपल सा है ना कि अगर इसके अंदर भी मेथड ओवरराइडिंग तो हो ही सकती है, मल्टीपल क्लास के अंदर सेम फंक्शन आप लिख सकते हो, है ना। तो अब सी में जब सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि चूंकि सी जो है दोनों को इनहेरिट कर रहा है, और सी में जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट से इसके फंक्शन को हम कॉल करना चाहेंगे, और दोनों में अगर बाय चांस दोनों में सेम फंक्शन रहा तो ये कन्फ्यूज हो जाएगा कि किसको कॉल करूँ, किसको प्रिंट करूँ। तो इस एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए जावा सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस, फिर तो रिजल्ट ही गलत हो जाएगा ना, एरर आ जाएगा। सिंस कंपाइल टाइम एरर्स आर बेटर देन रन टाइम एरर्स, जावा रेंडर्स कंपाइल टाइम एरर इफ यू इनहेरिट टू क्लासेस, सो वेदर यू हैव सेम मेथड और डिफरेंट देयर विल बी कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर हमेशा बेटर क्यों होता है, क्योंकि कोई भी एरर है तो कंपाइल करके ही बता देगा, और कंपाइल टाइम पे अगर रन टाइम पे अगर आप देखें तो कोई चीज़ कंपाइल में अगर स्किप हो गया, कंपाइलर ने स्किप कर दिया, तो रन टाइम पे आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो बेटर है कि कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर आपको देख ले कि एरर क्या है।